उसने चार्जशीट है कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दी है। पॉक्सको में हमने कैंसिलेशन के लिए फाइल किया है, ये हमने बेस किया है जो कंप्लेनेंट हैं उनकी स्टेटमेंट पर और जो एलिज्ड विक्टिम हैं उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। तमाम आरोप, तमाम दांव और दावों के बीच ब्रिजभूषण बना पहलवानों का दंगल अब इस दहलीज पर खड़ा हुआ, जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिलती दिख रही। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पॉक्सो की धारा हटाने की सिफारिश की गई। पुलिस ने इस शिकायत को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। जो रसलर्स की कंप्लेंट पर केस रजिस्टर हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद हमने इसमें चार्जशीट है कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दी है। इसमें सेक्शन 354, 354A और D, इनके तहत हमने ब्रिज भूषण है उनके खिलाफ। पॉक्सको में हमने कैंसिलेशन के लिए फाइल किया है, ये हमने बेस किया है जो कंप्लेनेंट हैं उनकी स्टेटमेंट पर और जो एलिज्ड विक्टिम हैं उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। दरअसल महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप लगाए थे। 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पॉक्सो एक्ट और दूसरी धाराओं में ब्रिजभूषण पर 2 FIR दर्ज हुए। इसमें एक मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पॉक्सो एक्ट का था। अब पुलिस की चार्जशीट के बाद पहलवान भी अपने अगले कदम की प्लानिंग में लगे। चार्जशीट हमें दिख जाए और दूसरा एक दो प्रॉमिसेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी हैं। FIR जो उल्टी लेने का उन्होंने बोला था और 2-3 बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब पुलिस ने जो रिपोर्ट दाखिल की उसमें धारा 304, 354A और 354D, 506 पार्ट 1 का जिक्र है, यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह कानून के बड़े फंदे में फंसने से बच गए। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा इत्मीनान से कहा था 15 तारीख तक रुक जाइए, 15 को देखिएगा। कैसे मालूम था अनुराग ठाकुर जी को, एक बार नहीं कई बार कहा कि 15 को क्या होने वाला है। उन्हें तो जैसे पूर्वानुमान था, या मैं कहूँ पटकथा लिख दी गई थी वही पढ़ दी गई। बहरहाल खेल मंत्री से मिले भरोसे के बाद खिलाड़ियों और खाप पंचायतों ने अपना आंदोलन फिलहाल रोक दिया था। अब दिल्ली पुलिस की ओर दाखिल चार्जशीट के बाद सवाल ये है कि क्या रुख लेगा पहलवान बना ब्रिजभूषण का यह दंगा।